हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू क्लॉथमिक किचन विद बाय निकिता जैन। चलिए आज बनाते हैं होममेड चेरी जैम। चेरी इस वक्त सीजन में इन है, सो लेट्स प्रिपेयर इट। इसके इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है और आप इसको एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने चेरीज लिए अराउंड 500 ग्राम और मैंने इनको डीस्टेम कर लिया और इनके जो बीज थे सेंटर के वो भी मैं अलग कर दूंगी। इसी तरह मैंने सभी चेरीज को काट लिया और उनके जो भी स्टेम थे और ऊपर से जो भी सीड्स थे वो सब अलग कर दिए और इस तरह उनको चॉप करके अलग बाउल में रख लिया। चेरीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, सो मेक श्योर यू ईट प्लेंटी ऑफ दिस इन समर्स। और इस तरह मैंने ये सब चॉप कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसमें मैंने एक पैन लिया जिसकी लो फ्लेम रखी थी और उसमें अपनी चॉप करी हुई चेरीज डाल दी और उसी के अंदर मैंने डाली है शुगर, जो नॉर्मल शुगर हमारे घर में होती है अराउंड 3/4 कप, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे ये शुगर मेल्ट होगी और वो अपना जो पानी होता है वो छोड़ देगी और हमें जो चेरीज हैं उनको इसी के अंदर पकाना है अच्छे से। अराउंड 25-30 मिनट्स लगते हैं जैम प्रिपेयर होने में, सो जस्ट यू हैव टू स्टर इट वेरी वेल। और इसकी कंसिस्टेंसी लास्ट में कैसी रखनी है वो मैं वीडियो के साथ बताऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी चेरी जो है वो चेरी जैम है जो वो स्टिक हो जाएगी बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, उसने पानी रिलीज कर दिया है और अभी हम इसको पकाएंगे अराउंड 20 मिनट इसी तरह। और जब आपको इसे झाग से ऊपर आने दिखे तब आप इसमें जो लेमन जूस होता है, मैंने 1 लेमन का जूस लिया था, वो उसके अंदर ऐड कर लें। जो लेमन होता है वो इसको प्रिजर्व करने में 1 महीने तक हेल्प करेगा क्योंकि एसिडिट चाहिए होता है। अब मैंने आलू मैशर जो होता है हमारे घर में नॉर्मली, तो उससे इसको थोड़ा मैश कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट जाने के लिए, पर मुझे थोड़ा सा जो पल्प सा बीच में गाढ़ा आता है वो चाहिए होता है। 15 मिनट के बाद आप एक प्लेट में एक ड्रॉप डाल के देखें, अगर वो एकदम बहकर नीचे आ रही है मतलब अब भी बिल्कुल रेडी नहीं हुई है, उसका कलर भी लाइट है। थोड़ी देर और पकाएंगे एंड नाउ लेट्स चेक अगेन। एक प्लेट पे अगेन एक ड्रॉप डालेंगे और आप देखोगे अब थोड़ा स्लो हो गया है और थिक कितना हो गया है, बस इसी कंसिस्टेंसी पे चाहिए, बिल्कुल थिक नहीं करना जैम को क्योंकि अगर आप जब ये ठंडी होगी ये अपने आप और गाढ़ी हो जाएगी। और मैंने इसको एक बिल्कुल क्लीन स्टरलाइज बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तभी हम इसकी लीड को कवर करेंगे एंड हमारी चेरी जैम बनके बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगती है, ट्रस्ट में आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। नाउ लेट्स सी द कंसिस्टेंसी, इट्स वेरी नाइस। एंड इफ़ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ 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 ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड बी अ पार्ट ऑफ क्लॉथमिक फैमिली। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।